बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित होते हैं, और आज भी लेकिन थोड़ा विलंब से, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण ही आज विलंब भी थोड़ा हुआ है। तो विलंब से आज हम इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुए हैं, लेकिन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप जुड़े रहें, बने रहें और इसका लाभ उठाते। तो चलिए विषय पर चलेंगे। आज का विषय क्या है? ब्रह्म दिन और रात्रि से परे है, सत और असत से परे। विषय को सुनकर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये कैसी बात है कि ब्रह्म दिन और रात्रि से परे है। यह तो समझ में आता है, लेकिन सत और असत से भी परे, क्योंकि ब्रह्म को सत्य माना गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म को सत्य बताया गया है, ब्रह्म को सत्य माना गया है और जगत को मिथ्या माना गया है। तो एक बात तो ठीक है, चलो वो काल से परे है तो दिन और रात, क्योंकि दिन और रात होना तो काल का विषय है, लेकिन साथ ही साथ सत्य और असत्य से भी परे है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यह एक प्रश्न बनता है। तो आज हम इस विषय को समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया कि ब्रह्म दिन और रात से परे है और साथ ही साथ काल से भी परे है, इसे काल से भी परे बताया जा रहा है। तो ऐसा क्यों बताया जा रहा है, उस पर चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले बात तो यह समझना है कि भाई यह जो विषय है ब्रह्म का, यह निश्चय ही काल से परे का विषय है। ब्रह्म की स्थिति काल से परे सर्वदा बताई गई है, तो इसमें भी यह स्थिति मानी जाएगी कि ब्रह्म काल से परे ही है। लेकिन सत्य और असत्य से परे क्यों कहा जाए, इसको ये मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। तो पहले श्लोक देखते हैं, श्लोक में क्या समझाया जाए। तो कहा जा रहा है 18वें श्लोक में, चौथा अध्याय चतुर्थ अध्याय श्वेतास्त्रोपनिषद, यदा अतमः तत न दिवा न रात्रि न सन न च न अनसन, केवल शिवः एव तत अक्षरम तत सवितुः वरेण्यम च तस्मात् पुराणो प्रज्ञा प्रसृता। यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि न सन्न चासक्षीव एव केवल तदक्षरम तत सवितुर्वरेण्यम प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। इसमें एक शब्द आ रहा है तत सवितुर्वरेण्यम, अर्थात जो गायत्री मंत्र में सविता का वर्णन है, तत सवितुर्वरेण्यम देवताओं का वर्णन है। ये संपूर्ण जगत सविता के वशीभूत है, लेकिन ब्रह्म उससे भी परे है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो आइए चलिए इस श्लोक का अर्थ हम समझ लेते हैं कि कहा जा रहा है कि यदा, जब तक अज्ञानमय अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय ना दिन है ना रात्रि है, ना सत्य है ना असत्य है, केवल एकमात्र वह विशुद्ध शिव, शिव शब्द का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है, तो शिव है, शिव एव अर्थात कि वह शिव ही केवल है, और तत अक्षरम वह सर्वथा अक्षर है, अविनाशी है, वह तत सवितुर्वरेण्यम वह जो देवता है, देवताओं का भी उपास्य है, सवितुर्वरेण्यम मतलब देवताओं के द्वारा भी, लोगों के द्वारा जो धारण किया जाता है। ओम भूर्भुवस्व तत सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र में जो आता है ओम भूर्भुवस्व तत सवितुर्वरेण्यम, यह संपूर्ण जगत उस ओम के द्वारा और साथ में देवताओं के द्वारा भी, जो सूर्य आदि सविता को फैलाने वाले, ऊर्जा को फैलाने वाले जो देवता हैं, उनके द्वारा भी वह ब्रह्म जो है धारण किया जाता है। इसलिए वरेण्यम सवितुर्वरेण्यम शब्द का प्रयोग वर्ण किया जाता है, ठीक। उसी ओम का ध्यान करना है, उसी ब्रह्म का ध्यान करना, वही भर्गो ज्योति स्वरूप है, भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। तो वह संपूर्ण लोगों के द्वारा और संपूर्ण देवों के द्वारा धारण किया जाता है। तो यहाँ पर सवितुर्वरेण्यम शब्द का प्रयोग हो रहा है कि तदक्षरम तत सवितुर्वरेण्यम प्रज्ञा च तस्मात् प्रसिद्धा पुराणी। लेकिन हमारा जो विषय है इसके पहले लाइन वाला, कि यदा
यदा तमस्तन्ना दिवा न रात्रि, न दिन में और न रात्रि के परे है, न सन्ना च असी क्षेव एव केवल, कि न वह रात है और न ही वह दिन है, जब अज्ञानमय अंधकार सर्वथा अभाव हो जाता है। कहा जा रहा है जब अज्ञानमय अंधकार का सर्वथा तमस, यदा तमस्तन्न अर्थात तमस का जब नाश हो जाए, यदा अतमः, जब अज्ञानमय अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाएगा, उस समय क्या होगा, ना दिन होगी, ना रात्रि होगी, ना सत होगा, ना असत होगा। अब इसी पर हमें विचार करना, ना दिन होगी, ना रात्रि होगी, ना सत होगा, ना असत होगा। पहले तो ये कहा गया, और फिर कहा गया कि वही एक अविनाशी परम अक्षर है जो देवताओं के द्वारा, तीनों लोकों के द्वारा धारण किया जाता, तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, और वही प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी, और उसी से पुराना ज्ञान फैला हुआ है, प्रज्ञा फैलती है, वही उसका प्रसार करने वाला भी है। तो इस प्रकार से उस ब्रह्म की चर्चा की जा रही है। तो दिन और रात के परे है अर्थात जब तमस का तमस दूर हो जाएगा, त्रिगुणी माया संतुलित हो जाएगी, तीन गुणों का संतुलन बन जाएगा, योगी ध्यान की सिद्धा अवस्था को प्राप्त करके समाधि में प्रवेश करते हैं, जहां पर मनसा, हृदा मनसा और मनीषा, इन तीन चीजों का नाम पिछले श्लोक में लिया गया, हृदा मनीषा मनसा, इन ये तीनों ही एकाग्र हो जाते हैं जिस अवस्था में, उस अवस्था में वो काल के परे चले जाते, वो हृदय गुहा में प्रवेश करकर, गोपनीय जो गुहा है उसमें प्रवेश करकर वो काल के परे चले जाते, वहां ना श्वासों का आना जाना है, तो फिर दिन रात भी नहीं है, ना दिन है और ना ही वहां पर रात्रि है, क्योंकि दिन और रात्रि का होना काल के अंतर्गत है और ब्रह्म कालातीत है, ब्रह्म भावातीत है, ब्रह्म गुणातीत है, कालातीत होने के कारण, गुणातीत होने के कारण और भावातीत होने के कारण दिन और रात का अस्तित्व वहां नहीं रहेगा। ये साफ साफ यहां लिखा जा रहा है। फिर लिखा जा रहा है कि ना सत्य है ना असत है, वहां सत भी नहीं है और असत भी नहीं है, क्योंकि वह तो भावातीत है और सत का होना भी भावना है, असत्य का होना भी भावना है, ज्ञान का होना भी एक भाव है, अज्ञान भी एक भाव है, निराकार भी एक भाव है, साकार भी एक भाव है, ठीक है, निराकार भी एक भाव है, साकार भी एक भाव है, ज्ञान भी एक भाव है, अज्ञान भी एक भाव है, सत्य भी एक भाव है, असत्य भी एक भाव है, इसीलिए वह जो ब्रह्म है वह भावातीत है, सभी भावनाओं से परे है, बियॉन्ड इमोशंस है, सभी भावनाओं से परे है। तो भावातीत होने के कारण ना वो सत्य हो सकता है ना वो असत्य हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा विचार करने योग्य जो तथ्य है यहां पर समझने, क्यों उसे कहा जा रहा है कि दिन रात के परे है, सत्य असत्य के परे है, सभी के द्वारा धारण किया हुआ है, सबके द्वारा धारण किया मतलब सब में व्याप्त है, इसीलिए वो धर्म है, वह ब्रह्म ही सनातन है और वही सनातन धर्म है, इसीलिए उसे धर्म तत्व कहा गया, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम महायनो येन गता स पंथा, कि जो धर्म का तत्व है वह अत्यंत गोपनीय गुहा में रहने वाला, और धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम महायनो येन गता स पंथा, महापुरुषों ही ने उसे जाना है, उस ब्रह्म को अपनी साधना से, अपने ध्यान योग से जाना, ठीक है। तो यह रहस्य, तो उसे दिन और रात से परे क्योंकि वो कालातीत है, काल से परे है, और वो सत्य और असत्य से भी परे है, क्योंकि ना वहां सत्य ना वहां असत्य, देखिए सत्य कहना वहां पर है जहां असत्य का भी बोलबाला हो, ठीक है, न्याय की आवश्यकता वहां है जहां अन्याय होता, तो सत्य भी वही टिकेगा जहां असत्य भी रहता हो, ज्ञान अज्ञान निराकार साकार इन सब से परे उसकी अवस्था को बताया जा रहा है, बस यही बात समझ रही होती है।
इसीलिए सत्य हम कहते हैं फलानी वस्तु सत्य है, फलानी फलानी बात असत्य है, ये सत्य है वो असत्य है, सब कुछ एक भाव है और द्वंद्वात्मक है। तो ब्रह्म में कोई द्वंद्व नहीं है, इसीलिए तो मांडू के कारिका में पहले ब्रह्म को अजन्मा बताया, फिर उसे कहा कि ना जन्मा ना अजन्मा दोनों ही नहीं है। तो विचार करना कि पहले तो अजन्मा कह दिया, फिर कहा कि नहीं जन्मा अजन्मा इन सब बातों से वो परे है, क्योंकि प्रत्येक जन्म लेने वाले शिशु में तो वो है ही, सर्वव्यापी होने का। तो उस इसीलिए वह सत्य और असत्य से परे और दिन और रात से परे भी यहां पर बताया जा रहा है। तो क्योंकि यह बात लिखा जाता है, कहा जाता है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, विवेक चूड़ामणि में ऐसी चर्चा उन्होंने की है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ठीक है, एक जगह पर जगत के साथ तुलना करते हुए भावनात्मक रूप में ही कहा जा रहा है, जगत के साथ तुलना करते हुए भावनात्मक रूप में ही कहा जा रहा है, ठीक ना, कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन क्योंकि यहां पर जो भी चर्चा होगी, हमारे और आपके बीच जो भी चर्चा होगी, आप जो भी अध्ययन करोगे, जो भी प्रवचन सुनोगे, वो कहीं ना कहीं भावयुक्त होगा, वो भावयुक्त होगा ही होगा, वो भावातीत नहीं हो सकता, क्योंकि भावातीत अवस्था तो योग से आएगा, ध्यान योग से आएगा, ना कि प्रवचन सुनने से आएगा। इसीलिए उपनिषद कहते हैं नावे आत्मा बहु प्रवचने लभ्यो ना बहु, प्रवचन से आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते, ना बहुत सुनने से, ना प्रवचन से, ना मिथ्या ना प्रवचने लभ्यो, ना बहुनी श्रुतेन, ना बहुत ज्यादा सुनने से, इन सभी से आत्मा का लाभ नहीं मिलने वाला। आत्मा का लाभ ना प्रवचन से, ना बहुत सुनने से और ना ही मेधा से नहीं मिलने वाला है, वो समाधि से मिलने वाला है, वो ध्यान योग से मिलने वाला है आत्मा का लाभ। ठीक है, इसीलिए शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य यह भी कहते थे जब उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो साथ में उन्होंने यह भी कह दिया कि ब्रह्म क्या है ये बताया ही नहीं जा सकता, वो सत्य है कि असत्य है, कि वह ज्ञान है कि अज्ञान है, कि निराकार है कि साकार है, ये सारी बातें बुद्धिक बातें हैं, वैकल्पिक बातें हैं, विकल्प के कारण ये सारी बातों का अस्तित्व है, कल्पित है सारा विषय। इसीलिए आप ऐसा मत कहो, ध्यान योग करो, सीधी सी बात, ध्यान योग करो, ध्यान योग करोगे तभी आप उस आत्मा को जान पाओगे, उस ब्रह्म को जान पाओगे, अन्यथा प्रेरणा देने के लिए बातें तो बहुत सारी हो जाती है। तो यहाँ उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद में यह घोषणा की जा रही है कि वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, कि सत्य असत्य का होना भी एक भाव है। चलिए ठीक है, तो आज का मुख्य विषय इसी पर चर्चा था, अभी आपके प्रश्नों पर भी थोड़ा ध्यान देंगे, इस श्लोक पर हमने चर्चा किया, अब आपके प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। जगत नारायण जी क्या कह रहे हैं, परम पूजनीय गुरुदेव जी, ठीक है, जगत नारायण मित्रों, ध्यान योग करने से हमारे मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लगता है, यकीन मानिए, नहीं तो जो हमारे मित्र भाई बंधु जो ध्यान योग करते हैं उन्हें यह अनुभव जरूर मिल रहा होगा जी। कई लोग हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं, क्योंकि हमारे मन में जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं वो उनकी पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी ध्यान योग के माध्यम से, ठीक है, निश्चय ही होने लगेगी, हमें ज्यादा अच्छी तरह से बातें समझ में आएंगी, उपनिषदों की बातें, श्रीमद् भगवद् गीता की बातें और अन्य विषय जो आध्यात्मिक है। विक्रम सिंह जी, विश्व यात्री जी, साक्षी सेन जी, बहुत अभिनंदन है, उदय शंकर जी, अंजू श्रीवास्तव जी, कुलदीप सिंह जी, एस के मिन्हास जी, अनिल कुमार जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, अजित भाई पटेल जी, रमेश चोपड़ा जी, भूप सिंह खिचर जी, अर्जुन चौहान जी, राजू पाल जी, अलका काले जी, ज्योति दत्ता जी, कन्हई कुमार जी, रूपलाल विश्वकर्मा, राम निवास मीना, दादा खचर जी, रघुवीर सिद्धू जी, गणेश पवार जी, योगेंद्र पंडित जी, स्मिता सावंत जी, इंद्रजीत जी, ब्रजेश मिश्रा जी, चित्रंजन बरुआ, पंकज रघुवंशी जी, सरोज कृष्णानी जी, प्रभु सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी, श्री टी आर राठिया जी, उषा श्रीवास्तव जी, इंद्रजीत जी, राम प्रकाश जी, माधुरी कोले जी, बद्रीलाल जी, जो हमारे गुरु जी हैं उन्होंने हरिओम तत्सत संदेश दिया है, वह सही है क्या?
सही ही है। हरिओम तत्सत कहने में क्या गलत है? गीतांजलि चवन जी लिंगागरी, लेकिन वो कोई दीक्षा का विषय नहीं है। हरिओम तत्सत ओम को तो भीतर से जानना पड़ेगा, अंदर से जानना पड़ेगा, तभी जाकर संभव है ओम का लाभ लेना। लिंगागरी कोंडा रेड्डी जी अभिनंदन, आत्माराम का आश्रय, ठीक, आत्माराम का आश्रय जी आप बिल्कुल सही बता, ठीक है। चलिए जिज्ञासु, तो यह विषय आज का हमारा जो था कि सत असत से परे, दिन और रात्रि से परे की जो चर्चा है, इस पर चर्चा हमें करनी थी। तो ये हमें इस चर्चा को समझना है और ध्यान योग से समझने का विषय, इसलिए अंत में आप कितना भी अध्ययन करें, ध्यान योग से जुड़कर ही विषय स्पष्ट हो सकते हैं। ध्यान योग से जुड़कर ही हम अपने जीवन में भी आनंद की उपलब्धि कर सकते हैं, आनंद को ला सकते हैं। ध्यान योग से ही हम अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान योग जरूरी है, और ध्यान योग जो करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। 11 अगस्त से ध्यान योग की कोर्स शुरू हो रही है, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो जरूर फिर से इसको ज्वाइन कर लें। और जो लोग जुपिटर मेंबरशिप करना चाहते हैं, सन कर लिया है, उनका सन एक बार उन्होंने कर लिया है लेकिन जुपिटर नहीं किया है, तो जुपिटर वो कर सकते हैं। और जुपिटर करने के लिए उन्हें ये बताना पड़ेगा कि सन मेंबरशिप उन्होंने कर लिया है, तो फिर जो शुल्क है जुपिटर का भी शुल्क है उसमें उनको छूट मिल जाएगी। अगर सन मेंबरशिप कंप्लीट हो गया है आपका, जुपिटर सिर्फ बाकी है और आप करना चाहते हैं, तो निश्चय ही आपको कम पेमेंट देना पड़ेगा जुपिटर करने के लिए। और उसके लिए आप पता कर ले, संपर्क कर ले और जुपिटर ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये चीज है। तो कई लोग ये बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि सन करें जुपिटर करें, कंफ्यूजन वाला कोई विषय नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं कि जुपिटर और सन दोनों एक ही कोर्स है, अलग अलग कोर्स नहीं है। लेकिन जुपिटर में आपको स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक सिखाई जाती है बाद में अलग से। जो जुपिटर ज्वाइन करते हैं, सन का जितना भी मैटर है, जितना भी प्रैक्टिस है, सन में जो भी सिखाया जाएगा वो जुपिटर वालों को भी सिखाया जाएगा। बस जुपिटर को कुछ और एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस है सन और जुपिटर में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने अगर सन मेंबरशिप कंप्लीट कर लिया है और वो जुपिटर करना चाहते हैं आगे, तो फिर सन को जिन्होंने जिनका कंप्लीट हो गया है वो जुपिटर करने के लिए संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करके ही करें ज्वाइन, ठीक है। फिर आपको ज्यादा उसमें लाभ मिलेगा, तो संपर्क कर आप जुपिटर का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। अगर सन हो गया है कंप्लीट, तो जिनका सन नहीं कंप्लीट हुआ है वो जुपिटर ज्वाइन करना चाहते तो हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। जिनका सन नहीं कंप्लीट हुआ है मतलब उन्होंने कुछ भी ज्वाइन किया ही नहीं आज तक, तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर पूरा पूरा लाभ उसका उठा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान योग की क्लासेस जो है वह कब शुरू हो रहा है? वह शुरू हो रहा है 11 तारीख से। तो अवश्य अवश्य आप इसका लाभ उठा लें इससे जुड़कर, और ध्यान योग तो करना ही पड़ता है, बिना इसको किए कहां भला कोई समझ सकेगा कि जीव क्या है, मन क्या है, अहंकार क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा तो चलो बहुत दूर की बात, मन की कैसी गति है, जीव की कैसी गति है, इन सब बातों को वो समझ पाए। तो ये तभी संभव है जब वह ध्यान योग करे। इसलिए ध्यान योग का बड़ा महत्व है, तो ध्यान योग जरूर आप लोग ज्वाइन कर इसका पूरा पूरा लाभ। चलिए अभी जिज्ञासुओं यहीं पर विराम देंगे इस चर्चा को। कल फिर जो है, आज थोड़ा सा फिर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आया कार्यक्रम के अंदर, कार्यक्रम करते हुए, तो जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया आज शुरू करने में, 23 मिनट लेट आज हम शुरू किए हैं। हाँ, 5 मिनट लेट तो वैसे ही शुरू होता है, 5 से 7 मिनट के आसपास, तो वो एक अलग बात है, वो तो जिससे कि लोग काफी जुड़ भी जाते हैं तो वो तो होता है, अलग बात है। लेकिन आज जो है यूजुअल से ज्यादा लेट हुआ, कुछ असुविधाओं के कारण नहीं हुआ, तो निश्चय ही कल ऐसा नहीं होगा और समय पर ही शुरू हो पाएगा। तो जुड़े रहे, बने रहे, और वीडियोस चर्चाएं आपको सही लगती हैं तो जरूर जरूर शेयर भी कर दिया, जरूर जरूर साथ में वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि लोगों को विषय
सही से समझ में आए और उस विषय का वो दर्शन कर पाए, दर्शन मतलब उसे समझ पाए, उसका साक्षात्कार हो पाए, विषय का साक्षात्कार मतलब समझ में आ जाएगा तो साक्षात्कार हो जाएगा उसका। तो ये चीज अगर आपको लगता है कि हाँ हमें बातें समझ में आती हैं और ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए और लोगों को मिलनी चाहिए, तो निश्चय ही वीडियोस को शेयर भी कर दिया। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आज के विचारों को, आज के चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। कल फिर 9 बजे उपनिषदों के बढ़ते हुए क्रम में आगे के विषय को लेकर हम यहाँ, बहुत बहुत आभार आप सभी का।